नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है टॉप 10 खबरों का, तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। एलजी विनय सक्सेना ने कहा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने पूर्ववर्ती अरविंद केजरीवाल से 100 गुना बेहतर है। कैश फॉर वोट का मामला, विनोद तावड़े ने राहुल गांधी, खड़गे और सुप्रिया सुले को लीगल नोटिस भेजा। पटना में बेटा स्थित बिशनपुरा गांव के पास ट्रक और ऑटो में टक्कर, 3 बच्चों की मौत। यूएस में गौतम अडानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट की पुष्टि अमेरिकी कोर्ट के आदेश पर किया गया अनसील। जयपुर में एसएमएस से आए डॉक्टर्स ने आरयूएचएस में दी ज्वाइनिंग। मदर एंड चाइल्ड के लिए जल्द शुरू होंगी सेवाएं, सभी डॉक्टर्स की अगले सप्ताह से शुरू होगी ओपीडी। पॉल्यूशन पर सुप्रीम कोर्ट बोला, दिल्ली सरकार की कोशिशों से संतुष्ट नहीं, ट्रकों की एंट्री बैन पर कुछ नहीं किया, 3 दिन और सख्ती की जानी चाहिए। अमेरिका में भारतीय छात्र की मौत, बर्थडे के मौके पर गलती से खुद को मारी गोली, आज शव घर पहुंचेगा। 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का रिजल्ट कल, 18 से 22 राउंड में होगी वोटों की गिनती। दौसा खीवसर के नतीजों पर सबकी निगाहें। राहुल ने एयर पॉल्यूशन पर वीडियो शेयर किया, बोले ये नेशनल इमरजेंसी, बच्चों का भविष्य छीन रहा और बुजुर्गों का दम घोट रहा। लखनऊ में दिलजीत दोसांझ के शो से पहले मिला नोटिस, नगर निगम ने एकाना स्टेडियम मैनेजमेंट को भेजा। शहीद पद पर रूट डायवर्जन, 5 लाख लोग प्रभावित। फिलहाल के लिए टॉप 10 खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।